आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में खासियत ये होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d ऑर्बिटल, हम सभी को पता है। सो याद रखें कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d ऑर्बिटल। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में एंटर करता है, या फिर हमें ऐसा कहना होगा कि n-1 d ऑर्बिटल मस्ट बी पार्टली फिल्ड, यानी वो फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में देखा कि कुछ एलिमेंट्स जैसे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये जो एलिमेंट्स है इनमें n-1 d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब आयन के फॉर्म में भी अगर आप देखें, जैसे जिंक, जिंक शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो यू विल कम टू नो ये 3d10 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इसका ये मतलब हुआ कि एलिमेंटल फॉर्म में भी डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है और आयोनिक फॉर्म में भी फुल्ली फिल्ड है। तो ऐसे परिस्थितियों में जिंक को किसी भी सूरत में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए, और जिंक के बराबर कैडमियम, मर्क्यूरी, इनका भी सेम आलम है, यानी डी ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड होता है। तो डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होने के वजह से दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे है इसलिए हम उनके साथ इनको स्टडी करते हैं। अब आपको समझना होगा जैसे कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी शो n-1 d10 कॉन्फिगुरेशन इन एलिमेंटल एज वेल एज इन +2 स्टेट, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी n-1 d10 कॉन्फिगरेशन इनका होता है। इस वजह से इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर करते हैं। अब हमें देखना होगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अलग अलग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का किस प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे याद रखें, सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। अब सबसे पहले हम देखेंगे 3D सीरीज के लिए। सो 3D सीरीज बोले तो 3D ब्लॉक एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, 3d1-10 एंड 4s2। सो दिस हैपेंस टू बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3d सीरीज। अब बात करेंगे 4d सीरीज का। 4d सीरीज, अब हमें पता है कि हर ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट का समावेश है। सो 4d सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4d1-10, 5s0-2। उसके बाद लेट्स कंसीडर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5d सीरीज। 5d सीरीज का भी 5d1-10, 6s2 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम एज दैट ऑफ 6d सीरीज। सो 6d सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 61-10, 7s2। सो इट वॉज ऑल अबाउट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ वेरियस ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब अगर हम 3D सीरीज की बात करें, दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, उसमें क्रोमियम और कॉपर कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हुए नजर आते हैं। सो लेट्स डिस्कस एक्सेप्शनल
इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। अब याद रखें क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन से आधार पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू एब्बो प्रिंसिपल। सो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद रखें एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ क्रोमियम इज। अब क्रोमियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ये है 3d4 4s2, ये हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन में कुछ अलग ही दिख पड़ा। जैसे कि क्रोमियम के कंपाउंड्स जो है वो जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है उनकी स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ क्रोमियम इज। सो क्रोमियम का ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है 3d5 4s1। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि 3d ऑर्बिटल हम लोग क्या एक्सपेक्ट किए कि 3d4 4s2 दिस शुड बी द कॉन्फिगुरेशन ऑफ क्रोमियम, लेकिन ऑब्जर्वेशन में ये आया कि d ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड विद 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4s ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब याद रखें एज पर द रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अगर एक हाफ ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है। अब यहां पे क्या होगा कि 4s ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद 4s ऑर्बिटल की फिलिंग पॉज करके 3d ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दिया गया ताकि यह हाफ फिल्ड हो। अब यहां पे हमें देखने को मिलता है कि 3d ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड रिमेंबर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सीम्स टू बी स्टेबल। इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के मुकाबले क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल महसूस होता है और क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस जो भी कंपाउंड्स है उसमें हमें देखने को मिलता है कि क्रोमियम फॉलो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो इट इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच सीम्स टू बी एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन। यानी जब हम बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये इसका जो बिहेवियर है ये कुछ हटके है। सेम हैपेंस विद कॉपर आल्सो। सो अब हम देखेंगे सो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ कॉपर इज। अब देखो कॉपर का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है 3d9 4s2। दिस शुड बी अवर एक्सपेक्टेशन एज पर द अबव प्रिंसिपल, लेकिन ऑब्जर्वेशन में हमें यह दिख पड़ता है कि कॉपर कैन फॉर्म द कंपाउंड से +2 एज वेल एज इन +1 स्टेट ऑल्सो। सो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन याद रखें सो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ कॉपर इज। सो कॉपर का ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होता है 3d10 4s1। यहां पे आप देख सकते हो कि 4s ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसकी जो फिलिंग है वो पॉज करके बचा कुचा इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d ऑर्बिटल के तरफ दिया गया ताकि 3d ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड रहे। एंड वी नो वेरी वेल दैट फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर द स्टेबल ऑर्बिटल्स। सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर सीम्स टू बी मोर स्टेबल देन दिस वन। सो 3d सीरीज के अंदर हम देख सकते हैं क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करते हैं।